अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ऐसे के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अगर आपने वीडियो के स्टार्ट से देख लिया होगा कि आज आपके लिए बड़ी यूनिक सी चीज़ लेके आए हूं। तीन कनाल का एक फार्म हाउस जो कि मौजूद है मेन जीटी रोड से 10 सेकंड की मुसाफत के ऊपर, अल रीच मैरिज हॉल और साथ इसके बना हुआ है CNG स्टेशन और बार, बहुत बड़ी एक मशहूर फ्लोर मिल भी बनी हुई है। 10 सेकंड की उधर से मुसाफत है। जगह का नाम और इस जो टाउन का नाम है स्पेशली उसका नाम है कादर टाउन। वाह गार्डन के बिल्कुल सामने मौज़ा इसका बनता है जी वाह कैंट, और 60 मरला तीन कनाल जो है ये जगह। इनके ओनर से भी आपकी कोई बात करवाएंगे और आपको जगह भी पूरी डिटेल से दिखाते हैं। स्टार्ट में ही आपको बताऊं कि जगह की डिमांड जो है इस टाइम 1,40,00,000 रुपया कनाल के हिसाब से है और तीन कनाल के हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल डिमांड 5 करोड़ रुपया कर रहे हैं। अंदर मेंटेनेंस के ऊपर काफ़ी खर्चा किया गया है। बेसिक सहूलियात ज़िंदगी जिसमें बिजली, गैस, पानी तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मीटर्स आपको दिखा देंगे और चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमने अपना नंबर दे दिया, कोई भी भाई खरीदना चाहता हो, कोई भी आके विजिट करना चाहता हो तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ये जी हम बाहर निकल रहे हैं और ये सामने आप देखें ये जीटी रोड आपको नज़र आ रही होगी। ये जीटी रोड आ गई है जी सामने, ये आपके लिए लाइव प्रूफ है। गाड़ी पे तो अभी सेकंडों में ही बात होगी, पैदल भी बंदा आए तो बहुत भी स्लो चल रहा हो तो 1 मिनट लग जाएगा, गाड़ी पर आ रहा हो तो 5 सेकेंड या 8 सेकेंड लग जाएंगे। ये जीटी रोड आ गई है, ये हमारे एक हाथ के ऊपर जिस तरफ यहाँ पे रीच मैरिज हॉल है, ठीक है, मैरिज हॉल आप देख लें। ये मेन जीटी रोड है जी और इस तरफ जी ये CNG स्टेशन बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। और ये जी डबल आ गई जी हमारी जीटी रोड मुरादाबाद जी, जिस तरह का वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप देख सकते हैं गैस का मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, गैस चालू है। अच्छा, बिजली का मीटर यहाँ लगा हुआ है, ये AC लगा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने साथ एक रूम बनाया हुआ है जिस तरह डिटेल अब आपको दिखा दी। भी अंदर लेकर चलता हूँ आपको, आपको बोर्ड दिखाते हैं। ये देखें सेवरेज चालू है, सेवरेज का काम वगैरह यहाँ पर सारा हुआ है। बारिशों की वजह से आजकल जो है वो तंगी बनती है, लेकिन उसकी जो है एहतियात का इन्होंने सारा तरीक़ेकार पहले किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर अंदर आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोर भी कराया हुआ है, ठीक है, बोर हुआ हुआ है, बिजली शिजली चालू है और फ्रेश यहाँ पर पानी आता है 24 घंटे। राजनी, जैसे ही आप इंटर होते हैं एक तो खूबसूरत जो है इंट्री इसकी बड़ी खूबसूरत है। अगेन मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, आप ये देखें इसकी इंट्री बड़ी प्यारी लगती है, इस तरह फुल फार्म लुक है। अच्छा, ये सेपरेट इधर से एंट्री दी हुई है, यहाँ पे सर्वेंट रूम बना सकते हैं, कमरा अंदर बना है वो भी आपको दिखाएंगे। अगर इधर से आप अंदर चलें तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरफ जो है कार पार्किंग है, यहाँ पे 3, 4, 5 गाड़ियाँ आराम से ख़त्म हो जाती हैं, खड़ी हो सकती हैं। तो आशिम भाई अभी हमें डिटेल के बारे में बताएंगे जी। आशिम भाई ज़रा व्यूअर्स को बताएँ कुछ जी। सुहेब भाई ये हमारा लॉन बना हुआ है, यहाँ पर हमारा अपना क्राउड ऑफिस की और कुछ जिरगे या कुछ गैदरिंग हमारे दोस्तों यारों की, ठीक है, बहुत अच्छा हमने ये सेटल किया हुआ है। साथ हमारे बड़ा एक हॉल 2 मरले के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग सर्वेंट भी ठहरवा सकते हैं, वॉशरूम वगैरह, किचन वगैरह और सामान वगैरह, ठीक है, जितने भी फार्म हाउसेस का। तो आशिम भाई आगे आगे ये हमारा जो सेंटर में हमने बनाया ये जॉगिंग फुटपाथ है, ठीक है, ठीक है। अक्सर अब क्योंकि बाहर से तो नहीं, हमारी अपनी फैमिलीज, बच्चे, पार्टी जो भी है ना, मतलब एक ऐसा जॉगिंग साथ साथ करते रहते हैं, ठीक है। और ये साथ सारे माल्टों के जापानी फल, खुबानी, आलू बुखारा, लुकाट, पपीता, यानी कि भाजी में ये बीच में ये क्या आपने बनाया है जो ऊपर ये जगह, ये हमने डेकोरेशन के लिए एक डेकोरेट किया था, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी ये सब्ज़ा और ये फूल वाली जितनी भी वेलें या अंगूर की इस तरह की ना सेटल करके था, क्योंकि इसके ऊपर हमने लाइटिंग भी सेटिंग की हुई थी, लेकिन ठीक है, जो भी हमारे अपने फैमिलीज का एक छोटे इवेंट आ जाते हैं तो इसको हम खुद ही मतलब एक हाल मैनेज करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, एक मार्केट टैप कर लेते हैं, ठीक है, सेटअप। तो आशिम भाई इस तरफ क्या लगा हुआ है? ये भी सारे ये जो बाड़ लगी हुई आपको आ रही है ये बाउंड्री वाल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसके अंदर अंदर हम खुद हैं, ठीक है, ठीक है। ये माल्टो के साथ बाग लगे हुए हैं, ठीक है ना, इधर अपना फरमाइशी आप सब्जियां भी कह सकते हैं, फरमाइशी फल भी कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत शौकिया ये मेरे एक बड़े भाई है माशाल्लाह, उनका बहुत बड़ा एक शौक है, ठीक है, और ये उनका एक विजन है और वो मेंटेन करना, मेंटेन करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ये सारा सेटअप उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, अगेन अब अगर सीधी आदमी देखें यहाँ पे अगेन ये माल्टे के दरख्त नजर आ रहे हैं जी जी, और साथ ये आगे कौन सी फसल आपकी लगी हुई है? ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, ताज़ी ताज़ी फ्रेश भिंडियाँ हैं, पालक हो गए, धनिया, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे सब्जियां, अभी तो सीज़न आउट हो चुका है, लेकिन पहले जो है सब्जियों का थे सीज़न था तो काफ़ी सारे आलू लगा हुआ था, प्याज था, लहसुन लगा हुआ है, मतलब छोटे छोटे मतलब हमने बहुत। अच्छा, ये सामने दीवार के ऊपर बेलें वगैरह लगी हुई हैं जी, ये एक बेरी भी आप कह सकते हैं इसको, 100 बेर, ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये अभी तकरीबन पड़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये देख लिए आपने, ठीक है ना, ठीक है। ये अंगूर की एक बेल है, बहुत अच्छा, अगर आपको मैं पुरानी पिक्चरों में सुहेब भाई चेक कराऊं तो आप अंगूर देखेंगे आप कहेंगे यार क्या कमाल है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसको जो हम केमिकल्स कोई भी खाद नहीं दे रहे, हम देसी
गोबर की खाद जो है ना ये डाल रहे हैं इसको, लेकिन फसल का भी टेस्ट एक अपना है, फल का भी एक अपना है, और शाम का जो व्यू है इसका खासकर असर और ताम मगरब, यकीन जाने कि बंदा जितनी भी टेंशन में हो ना बंदा यहाँ आकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। अच्छा जी भाई, आप कह रहे थे ये जो प्लाट बिल्कुल साथ खाली है तो इसकी क्या कीमत होगी? हाँ, ये फार्म और उसके साथ जॉइंट प्लाट है, ये 5 मरले का, ठीक है। यहाँ का सुहेब भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, यहाँ की जो कादर टाउन का अपना रहायशी प्लाट की मालियत चल रही है 5 मरले की, वो 35 लाख रुपये। अव्वल तो कादर टाउन फिल हो चुका है काफ़ी टाइम पहले से, ठीक है, कोई अवेल नहीं है, 5 मरले 4 मरले कोई प्लाट अवेल नहीं है। ये 5 मरले की कटिंग एक हमारे पास अपने फार्म हाउस के सामने हमने ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, ये भी हमारे पास अवेल है, अगर कोई रैश के लिए लेना चाहे वो 5 मरले भी ले सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये 4 मरले का डबल पोर्शन जिसमें गैस और बिजली का मीटर सिर्वे चालू और बिल्कुल फ्रेश फर्नेस सेट, ये भी फोर सेल है, ठीक है। ये कितने का? ये इसकी डिमांड हम 80 लाख रुपए कर लें 4 मरले डबल यूनिट की, ठीक है। और अब आखिर में जरा इसकी भी कोई प्राइस है? ये मैन इंटरेस्ट है हमारी, आपने पहले भी नाजरीन को बताया होगा फार्म हाउस की, ठीक है ना, फार्म हाउस आपने और नाजरीन ने बहुत बड़े बड़े 200 कनाल 100 कनाल 50 कनाल के ऊपर आपने देखे हुए होंगे, लेकिन ये वो फार्म हाउस है कि जो हर पार्टी एक अफोर्ड कर सकती है, एक मैनेजमेंट कर सकती है, एक माउंटेन कर सकती है। 3 कनाल के ऊपर आप उसको फार्म हाउस नहीं कह सकते, आप उसको अपना सहन कह सकते हैं। जब भी आपका मूड बने बारबी के लिए, कुछ दोस्त यार कुछ फैमिली आने के लिए, तो आइए आप, मैं आपको अंदर से भी इस चीज़ का, इसकी मालियत जो बनती है तकरीबन 1,40,00,000 रुपया फी मर कनाल के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। और हमने जो सेटल अंदर मैनेजमेंट की हुई है 3 कनाल के ऊपर, हम जो है 5 करोड़ रुपये की सिर्फ फार्म हाउस की डिमांड कर रहे हैं। बाकी कोई भी आनर अपना ख्वाहिशमंद बनता है नाजरीन यूट्यूब आपके वास्ते, तो बैठे हमारे साथ मीटिंग में, इंशाल्लाह अगर उसको चीज़ च्वाइस होगी और हम देंगे। उम्मीद है जी कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक मुनफरिद चीज़ है, कुछ डिफरेंट चीज़ आपके साथ लेके आएँ। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह होगी शाइन इनक्लेव का पार्ट 2 होगा। आशिम भाई जो हैं चेयरमैन भी हैं परफेक्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के, प्लस ये ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं शाइन इनक्लेव में, तो ये प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो मिलते हैं, मैं आपको होस्ट और दोस्त के, पीस आउट।